भाजपा विधायक ने मंगलवार को सदन से बाहर निकाले जाने के बाद सोमवार की तरह उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व मंत्री सत्येंद्र जैन की बर्खास्तगी की मांग को लेकर विधानसभा परिषद स्थित भगत सिंह की मूर्ति के सामने धरना दिया। भाजपा विधायक लगातार दूसरे दिन रात भर विधानसभा परिषद में गुजारेंगे। भाजपा विधायक ने आरोप लगाया है कि सदन से विपक्ष को असंवैधानिक तरीके से निकाला जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। विपक्ष के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी इस्तीफा मांगा। शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के सामने धरना दे रहे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदौड़ी ने मांग की, शराब घोटाले और शिक्षा घोटाले के साथ साथ DTC घोटाले और जल बोर्ड घोटाले की भी जाँच होनी चाहिए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा की मांग करते हुए कहा कि इन घोटालों के बाद इन्हें सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उधर रामवीर सिंह भिदौड़ी ने कहा कि भाजपा विधायक पूरी रात विधानसभा परिसर में धरना देंगे। गौरतलब है कि भाजपा विधायक ने सोमवार की शाम से मंगलवार की सुबह तक विधानसभा परिसर में शहीद आजाद भगत सिंह की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया था। उनका समर्थन करने के लिए भाजपा सांसद रमेश भिदौड़ी मंगलवार की सुबह विधानसभा आए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें विधानसभा परिसर में जाने की इजाजत नहीं दी। इन कारण उन्हें बेरंग लौटना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।